बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 24 मई 2022, समय हो गया है 01:25 AM। ये जो क्या कहते हैं मोदी है ना, और इसकी टीम जो है, ये साले भोसड़ी के हैं, ज्यूइश, ठीक है। इनकी इनकी आज एक और इच्छा पूरी कर देता हूँ। एक बार मोदी ने एक ट्वीट किया, उसमें तोप में घुसे बैठा हुआ था टैंक में, ठीक है। तो मैंने ट्वीट कर दिया, जी आपसे पहले हम युद्ध लड़ देंगे। एक ग्राफिक वायरल कर दिया मैंने, वायरल क्या किया है ट्विटर में। तब से लेके ये कह रहा है मोदी कि भाई वॉर ये लड़ रहा है तो पैसे इससे लो ना। हाँ तो भाई मना थोड़ी किया मैंने, तो भाई पीओके जीत लेने की खबर भी तो मैंने दी, सही है झूठ तुझे क्या मतलब है, सही है झूठ तुझे क्या मतलब है, युद्ध जीत लेने की खबर मैंने दी है ना। आया ना, तो अगर तूने न्यूज वायरल नहीं करने दी या तेरी टीम ने, तो गद्दार तू हुआ ना, मैं तो नहीं। उस बात को कितना टाइम हो गया है, 1.5-2 साल होने जा रहे हैं। जब पीओके में हमने जो ऑपरेशन अपना खत्म किया, ट्वीट किया था मैंने, तो गद्दारी तुमने करी ना, मैंने तो नहीं करी। पाकिस्तान की इच्छा थी, पाकिस्तान से लोग कह रहे थे कि भाई क्या कहते हैं, हाँ चाहे वो मरियम नवाज शरीफ हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई, चलो इसे लड़ने दो युद्ध। अबे युद्ध में वर्दी है नहीं, तू कौन होता है बोलने वाला, तो युद्ध लड़ मेरे से। तो मैंने जीत के दिया ना, हैं? तो न्यूज क्यों नहीं आने दी, तेरे को मौका दिया था तू बोल देता उसी दिन, तो नाम मेरा लेगा। आज अगर तू मेरे को ये कह रहा है, अब तेरी टीम मुझे ये कह रही है हॉटलाइन पे फोन करके बार बार कि ट्वीट तूने किया था, यू वॉर तू लड़ेगा, पैसा तू देगा, हाँ मैं दे रहा हूँ ना, वॉर मैं लड़ रहा हूँ ना, तो नाम मेरा आएगा तेरे बाप का आएगा, हैं? इंडियन आर्मी वाले मेरा नाम लेंगे तेरा लेंगे, जब तू उस ट्वीट का रेफरेंस दे रहा है। तो नोटबंदी तूने करी मैंने करी, गद्दार तू है मैं हूं, तू है गद्दार, मोदी की टीम गद्दार है, भारतीय जनता पार्टी गद्दार है। वहां से पाकिस्तान से मरियम नवाज शरीफ अगर कह रही है कि लड़ने थे हितेश को वॉर, तो देख लेना क्या हाल किया मैंने पाकिस्तान का, और क्या हाल किया मैंने मुसलमानों का, ज्यूइशों का। गद्दारी तूने करी, गद्दारी इंडियन आर्मी ने करी मेरे साथ, जवाब दो। मैंने बनाई JSR सिक्योरिटीज, जम्मू श्रीनगर रीजन सिक्योरिटीज, हिमालय में युद्ध लड़ने जा रहा है तू हाथ जोड़ रहा। मैंने चाइना की ऐसी तैसी करी, मैंने साउथ चाइना सी उड़ा दिया, मैंने बीजिंग में बमबारी करी है, दे न्यूज, पर देगा कैसे, क्योंकि तेरी नाक नीची हो जाएगी ना, तुम्हारे ज्यूइशों की ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि वॉर मैंने जीती है, दे जवाब। अब अगर ट्वीट का रेफरेंस दे रहा है, कभी कह रहा है तन समर्पित मन समर्पित, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो बोल ना सरे आम मीडिया में, किस बात के पैसे, किस बात के पैसे, हैं? किस बात के। और जिनको बोला ना तूने फोन पे मेरे से बात करने, मैंने बोला उनको, अब जाकर GB रोड में ना धंधे पे लग जाओ सबकी सब, समझ में, पैसा आ जाना चाहिए, समझ में आ गई। जो लंड चूसने वाली वहां जाएगी उसका नाम रखेंगे लंड चूसानी, ठीक है ना, ऐसे ही नाम होता ना तुम्हारा ज्यूइशों में, पारसियों में, चूत मरानी, बोमन रानी, ये सब नाम होते हैं ना, गांड मरवानी। हाँ ज्यूइशों को ना ऐसे ही रखूंगा जीवी रोड पे। गांधी की पूरी टीम की ना मां चुदवा दी मैंने, तब बनाया हमने वहां पे GB रोड, गांधी बाबा रोड, समझ में आया, बाबा कई तरह के होते हैं। ऐसे रखता हूँ मैं ज्यूइशों को, ये बहन के लोड़े जब जब उछलते हुए आते हैं ना, तब तक GB रोड की शोभा बढ़ाते हैं ये। चलो हाँ कितनी, अच्छा और जो तीनों हो तो उनको क्या कहोगे, हैं?
अलमरानी और आलमरानी अजीब है बहन के लड़े साल पागल भोसड़ी के जुइश नहीं यही है सजा तुम्हारी बहन के लड़ो तुम्हारी माँ की जूत भारत सरकार से गद्दारी माँ का भोसड़ा मारा इन बहन के लंडों की। अब तू कहे कि तू वॉर लड़ने की बात कर रहा है 24 घंटे में वॉर खत्म कर तेरी माँ थोड़ी चोद नहीं है जो बहन के लड़े 24 घंटे में चोद चाद के फेंक दूंगा खत्म कर दी वॉर। अब बाद में जो है मैंने कानूनी तौर पर भी सब कुछ कर दिया बिल्कुल अमेंडमेंट कर दिया मैंने आईपीसी की धारा 18 में क्या कैसे तो बहन के लोड़ा जिस आधार पे तूने तेरी माँ की जूत आर्टिकल 370 हटाई उसी आधार पे मैंने आर्टिकल 18 में बदलाव कर दिया। गलत क्या है प्रधानमंत्री की ताकत तूने मुझे दी ना तो अब तेरी माँ नहीं चोदू तो किसकी माँ चोदू है इस मरीती है इस हाँ इस मरीती ईरानी हाँ तो ओले हाथ धो गई तो माँ चुदाने के लिए तू बहन के लोड़ा क्या कहता यूट्यूब पे आ रहा है तो मुफ्ती तो मुसलमानों का है ना बहन के लोड़ा हिंदुओं का थोड़ी है मुसलमानों के लिए मुफ्त मुफ्त है ना तू हद हो गई तो बहन के लोड़ा तो हिंदू और सनातन धर्मियों का मुफ्ती थोड़ी है हैं बूमन बूमन समझते हो बू मतलब क्या होता है बदबू मन मतलब मन में अगर तुम्हारे बदबू है तो पारसियों में यही तो नाम होते हैं और क्या नए आओ पारसियों तुम्हारी तीन नई जात बना दी मैंने अच्छा चार हो गई अच्छा सब मरानी अजी माँ का लड़ा भोसड़ी के पागल आदमी है लोग अब तो बहन के लड़े जब उस ट्वीट का रेफरेंस दे रहा है तू कि भाई मैं वो और लड़ने को तैयार बैठा तो बहन के लड़े तो माँ की चूत मजा न्यूज तेरा बाप देगा क्या बहन के लंड मैंने कब कहा था कि न्यूज मैं दूंगा मैंने तेरे को खबर पहुंचा दी ट्विटर पे तो बहन के लोड़ा इंडियन आर्मी वाले कुत्ते के बच्चे है ना मैं तो नहीं हूं ना हैं तो तेरे वाले हैं वो बहन के लंड सूअर के बीज वो मेरे वाले अपने आप उठा ले जाएंगे तुम्हें बहन के लोड़ों को गांधी के परिवार की एक छोड़ी है अपने एक नहीं छोड़े हमने गांधी के परिवार की सब जीवी रोड एकदम टनाटन कर दिया माँ के चूत बहन के लोड़े इस भोसड़ी वाले मुकेश अंबानी की हमने उठाई नीता अंबानी हाँ अंबानी पता है कौन होते हैं हाँ जो अंबा समझते हो महाभारत में तो वो थे ना क्या कहते हैं दो बहने अंबा और वो अंबालिका हाँ वो पितामह भीष्म उठा लाए वो शादी करने पे कर ले क्या दिक्कत हो गई अब वहाँ पे पता नहीं क्या मामला हुआ हाँ ये उसी का वंश है अंबानी जी अंबानी के पितामह भीष्म बन रहा था जूस ये जूस बहन का लोड़ा मोदी तेरी माँ के जो जूता का बहन के लोड़ा
नहीं, अंबालिका का तो हो गया था अवतार, अंबानी वही तो है ये, नहीं पता तुम्हें? मतलब पता नहीं, शांतनु की अलग टीम थी और पितामह भीष्म की अलग टीम थी, बीच में खामखा मार चुट गई अंबानी और अंबालिका की। इतिहास मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें, ये वही तो है अंबानी। हमने कहा माचूदा ना बहन के लड़े तेरी भोसड़ी के लेकर लेकर चलो नीता अंबानी को, पैसा कहाँ है मेरा? नहीं पता तुम्हारे को, इनकी आज से उठाते आए हम, गलती हर बार ऐसी करते हैं बहन के लंडे। तो पैसा भाई भोसड़ी के, देखो मैंने पहले कहा था, देख भाई ऐसा सबसे बड़ा पैसा है, ध्यान रखियो ठीक है, पैसे का नुकसान बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो मार चोट दूंगा बहन के लड़ो एक एक। भोसड़ी का जब न्यूज मैंने पहले ही दे दी, तो माँ का लड़ो तुमने लेट किया ना न्यूज में, अब तब से लेके अब तक कितनी ऐड चल रही होती, तो पैसा तुम्हारा बाप देगा भोसड़ी के? उठा ले मोदी के घर की सारी बहन के लड़ो की। जीबी रोड का नाम गांधी बाबा रोड है, उठा के देख ले। महाभारत में जिन जिन की बहन के लड़ो की मां चोदी गई है वो सारे ज्योतिष हैं, शर्त लगा ले। अरे कुछ नहीं, वो अंबा अंबा अंबालिका वाला मामला लेकर के ना द्रौपदी के मामले को बीच में ला रही है, अब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, शर्त लगा ले। हाँ कौन है नहीं पता तुम्हें, जयद्रथ। जिस जिसने बुंड पंगे लिए थे ना कौरवों से और पांडवों से। नहीं नहीं एक बार पता, भीम और दुर्योधन साथ बैठे हुए, ये ऐसी भी दुश्मनी नहीं थी, पावर गेम था। अब गुरु दोनों के एक ही थे द्रोणाचार्य जी, तो भीम और दुर्योधन साथ बैठे हुए, कह रहे यार देख ऐसा है झगड़ा तेरा मेरा, ये बहन के लंडे बीच में कौन मजे ले रहा है ये। इधर 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 बुलाए बहन के लंडों को। कह तू जुआ खेलता है? नहीं। ठीक है तो भीम ने दुर्योधन से, तू जुआ खेलता? कहते ना। बहन के लंडे चोद है क्या ये? कह रहे एसपीजी चेक कर, एसपीजी चेक करी तो पता चला कि ऐसा ऐसा सोच रहे हैं। कौन कौन थे ये? कह रहे जयद्रथ। बहन के लंडे को पकड़ के लाए, उसे उसी की मां चुती तबियत। पितामह भीष्म से पूछ रहे प्रभु एक बात बताओ, ये दो लड़कियां जो उठाकर लेके आए थे और नहीं करनी थी यार किसी ने, तो किसी और से करा देते ना, ये कहां भग गए? समझ में आई? हाँ तो वो ज्योतिष बन गए वो अंबानी और अंबालिका, तो इसलिए जो है वो उस उधर से जो ज्योतिषों का, हाँ ज्योतिषों के धर्म की शुरुआत जो है वहां से है, अंबानियों से है। पारसी जो होते हैं, हाँ हकीकत है ये, तब से इनकी कांड में आग लगी बढ़िया बहन के लौड़ों की। हुआ होगा कोई मामला, अब पता नहीं उठा के लाए थे या बुला के लाए थे या खुद आए थे, कुछ हुआ होगा मामला, पर ये पता अंबानी हुए थे। अंबा के वंशज ही तो हैं ये, ये
ये फिर बीच में वो खाम अंबा अंबालिका बुंड पंगे ले रही थी ना बीच में, या महाभारत का अंबा अंबालिका का सीन देखना पड़ेगा क्या है। इतना कौन ध्यान रख देगा जो चूती हो, छोड़ना। बाद में वो सिकंडी बन गए। हाँ छक्के, उससे पहले छक्कों का वर्णन है, नहीं तो फिर ले रियलिटी है। अरे अंबानी खंबानी लंबानी चुदवानी मरवानी, ये हिडन 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 सीक्रेट है। देयर लाइक अ शुगर इन योर कॉफी कप, यू कैन टेस्ट देम बट यू कांट सी देम। नो, यूज देम लाइक अ शुगर इन योर कॉफी कप। क्या समझे? यूज देम लाइक अ शुगर इन योर कॉफी कप, समझे? यूज देम बट डोंट शो देम। बहन के लड़ा भोसड़ी की इनकी माँ की चूत। बहन के लंडे जब तुम बोल रहा, तूने बोला ना भाई, ट्विटर का रेफरेंस तू दे रहा है ना। मैंने मना किया, तुम्हारे बताए हुए किसी रेफरेंस को मना किया मैंने नहीं। तो जवाब भी तो तुम्हारा बाप ही सुनेगा बहन के लड़ो है। कंपनी थोड़ी मिल जाएगी प्लेबॉय की चलाने के लिए तुम्हें, कंपनी तो हमारी रहेगी, तुम तो वर्क करो उसमें। धोबी, अबे यार वो हाँ प्रभु श्री राम की अयोध्या में जो है ना धोबियों की एसपीजी चेक की गई थी, क्या परेशानी हो गई तेरे हैं? हाँ, जो जो सनातन धर्म के विद्रोही हैं, जो प्रभु श्री राम या सनातन धर्म के देवी देवताओं के विरोध में जाते हैं, उन सबकी गांठ पर लात मार के ना जुइश बना देते हैं उनको। जूता है ये, जूता समझते? जूता नहीं होता, जूता होता है। जिसकी गांठ पर लात पड़ती है ना दैड़, वो जुइश हो जाता है। मानो या ना मानो, अब तो रथ में लेके आया था, उठा के क्या लेके आया था, क्रेन लगा के लाए थे उसे है? तो कोई क्यों उठा के लाए थे, मतलब शादी कराने के लिए लाए थे? जुइश होते हैं तुम्हें नहीं पता? जो ये जो देवी की जो फोटोग्राफ होती है ना, क्या जिसकी पूजा करते हैं, अंबा की पूजा करते हैं, अंबा अंबालिका की, अंबा देवी जो होती है ना, हाँ जुइशों की देवी होती है अंबा। ये सनातन धर्म है, हम यहाँ वैसे कुछ कहते नहीं है किसी को, ज्यादा चमके ना तो चमका देंगे तबीयत से, और ऐसा चमकाएंगे कि बहन के लोड़ो ऋण की चमक भी क्या चमक होगी।
देख ले फिर, तू राजा महाराजा है। तो औकात में रहना फिर अपनी। अरे उधर नहीं, मुसलमानों से नहीं, तुम मुझसे भिड़ो जुइशो। तुम्हारी बहन का भोसड़ा मारा, माँ की चूत, तुम्हारी इधर आओ बहन के लोड़ो। मुझसे बात करो ना, तुम्हारी माँ ना चोत दी तो बहन के लोड़ो, मेरा नाम भी हितेश नहीं। अब रेप तो नहीं किया ना? अम्बालिका को लेकर के आया भाई शादी कराने के लिए। रेप तो नहीं कर रहा? किसी राजा से ही शादी करा रहे थे हैं? या किसी धोबी से तो नहीं करा रहे थे? जल्दी बता। अंबा देवी नाम की कोई देवी होती नहीं है। अरे भैया मैं बता रहा हूं, हमारे सनातन धर्म में जिस अंबे की बात होती है वो अलग है। ये अंबा ने जो नाम रखा, अंबा अंबालिका जो रखा, ये अलग मामला है।
मेरे से डिबेट में आना या बहस करनी है तो 1,00,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। नहीं बहन चोद दूंगा तुम्हारी, बहन के लड़ो भिखारी हूँ, समझ में आ गई ना।